स्कूल कॉलेज खुलते ही इन संस्थानों के आसपास रोमियो की भी बाढ़ आने लगती है, जिसके लिए योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था, जिसने पिछले साल काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी। और अब चूंकि स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, तो एक बार फिर यह एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय हो गया है। इसकी सक्रियता देखने को मिली बाराबंकी में। यहाँ चेकिंग के दौरान इस टीम ने कई रोमियो को पकड़ कर थाने भेज दिया। पुलिस द्वारा चलाए गए इस एंटी रोमियो अभियान में शहर के शोधों के होश उड़े हुए हैं। एंटी रोमियो अभियान लगातार चल रहा है, जिसको आज और विधिवत रूप से मैं अपने साथ लेकर सभी चौकी जातों को, जो भी कॉलेज खुल रहे हैं, एडमिशन हो रहे हैं, खासकर महिला कॉलेजों के आसपास किसी तरह की परेशानी ना हो, जो गर्ल्स हैं उनके साथ कोई बदतमीजी ना हो, कोई छेड़खानी ना हो, तीन लोग अभी तक पकड़ में आए हैं। इनको थाने ले जाके पूछताछ की जा रही है, पूछताछ करके तस्दीक करके तब छोड़ा जाएगा इनके घर वालों को बुला। बाराबंकी पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ये अभियान तभी सराहनीय होगा जब शहर में कोई छेड़खानी की वारदात नहीं होगी और ये रेगुलर चलता रहेगा। बाराबंकी में उमेश श्रीवास्तव के साथ अजमी रिजवी, न्यूज 75.in।